लेना को पवा लेना जा रहे सिमारखाल और क्यों जा रहे हमें भी नहीं पता। आज भाई मैं टोपी पहनी हुई है क्योंकि ठंड लग रही है यार बहुत ज़्यादा। चुके थे ऊपर की तरफ लेकिन हमने सुना धर्मेंद्र भी आ रहा है सिमारखाल, उसको भी लेके चलते अपने साथ साथ। अब जब आ ही रहा है तो साथ में चलेंगे सारे के सारे। चल भाई गोपाल जी सिमारखाल आने से बोल तो ते माल तो बोल बोल ले बोले चल। और धर्मेंद्र सिंह भी आ रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह बने हैं गोपाल जी। कम लगा है धर्मेंद्र वालों ये गुड। धर्मेंद्र फूल उल लगाए हैं बढ़िया मस्त, सब कुछ है, सब्जी फल है, सब्जी फल फूल सब धर्मेंद्र है। मटर मटर सटर सब आएगी, मटर पे फूल गिरे, मटर पर फूल आएगी मस्त लग जाएगा। मटर भी लगे थी वाह, मटर भी लगी है। धर्मेंद्र का पोल हाउस प्राइवेट है, फोन लो खड़ा कच्चा धर्मेंद्र। अबे सिंधी पढ़ दला में फोड़ देख कन फड़ दी में बतौल इंदे। अरे ये फोन में आ ना बस पर क्या चते रो चक्कर ले गैंग जा रही है भाई सिमारखाल। देखो लेके जा रहा है गाय के लिए पिंडू पिसाने और ये पता नहीं क्यों जा रहा है भाई मेरे को तो इन लोगों ने बोला इसलिए मैं सिमारखाल जा रहा हूँ। मतलब दिक्कत का ही काम है, एक तो इतनी चढ़ाई चढ़ के जाओ ऊपर से कोई काम नहीं है तुम्हारा और बिना बात के सिमारखाल जाओ ठीक है। अब ये दो बंदे तो अपने काम से जा रहे हैं तो यार हम आज मॉर्निंग ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कल थी दीपावली और कल ही रात को क्या हुआ कि हमारी ताई जी थी उनकी डेथ हो गई। काफ़ी टाइम से बीमार थी, कम से कम 9-10 साल हो गए थे यार, लेकिन कल रात को उनकी डेथ हो गई और सुबह ही हमें बात पता चली। मतलब क्या कर सकते हैं यार, कुछ हो जाते ऐसे अनएक्सेप्टेड मोमेंट्स लाइफ में। चलो सो सैड लाइफ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हेलो धर्मेंद्र, धर्मेंद्र हाय 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 तो गए तो घर ले जाना सुनिए कर तू कल घुणे रे मजाक कर जेवन छोरा है। ये पहुंच गया मारे माप धर्मेंद्र करने उड़ जा हैं अभी तक ठीक छ अभी जरा ठीक छ भयंकर लास्ट मोमेंट पर वाल कर रहे हैं एंड ठीक छ भाई तो मैं देख लो कोड़ा बुजुर्ग की ये तो अभी टूटा भी कुछ टाइम पहले हो देख खड़ा दिखा ना भी तो भाई साहब ये बंदा लेके आया मेरे को बिना बात के सिमारखाल। क्या काम है, मैं सुबह सिमारखाल गया था ठीक है पहले, अभी ये दोबारा मेरे को सिमारखाल लेके जा रहा है। काम क्या है, कुछ नहीं बस ऐसे ही घूमने के लिए हमने, चलो घूम रहे वीडियो बना लेते भाई मस्त। अरे देखो धर्मेंद्र लेके जा रहा है, क्या है इसमें धर्मेंद्र क्या चाहिए मैं पिंडू भाई पिंडू मैं मतलब हिंदी में नहीं समझा सकता है, इसमें मतलब मिक्स होता है जौ हो गए दाल हो गई बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उनको पिसवाने के बाद वो गाय को दिया जाता है ताकि मतलब एक तरफ से प्रोटीन समझ लो। एक वीडियो बनाने के लिए यार मैं बिना बात के मतलब
सिमार खाल भी आ गया ठीक है, जबकि कोई काम ही नहीं है, बस ऐसे ही मतलब घूमते घूमते। अब मैं सुबह का मतलब ब्लॉग बना नहीं पाया, सुबह में आया हुआ था सिमार खाल, लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे कि मतलब ताई की डेथ हो गई थी कल रात को, सुबह का ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया। तो मैं इसी टाइम मतलब चल सिमार खाल चल रहे, मैं आ गया। भाई यार थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ, मतलब वीडियो शेयर वगैरह करा करो, और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार चैनल पे, मतलब बिल्कुल ही ये होता है ना इम्प्रेशन यूं होता जा रहा भाई, यूं डाउन, थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओ यार। वैसे इस टाइम पे मस्त है यार घूमने के लिए, मतलब चले आओ बहुत अच्छा बात है इधर घूमने के लिए मतलब। लेकिन यार एक तो पता क्या, हमारे गाँव से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो कौन यार इतने दूर आएगा घूमने के लिए। अब गाँव में भी सड़क नहीं है, जो सड़क के सामने घूमने चले जाओ, फिर गाँव में रह के भी यार टाइम पास नहीं होता, यहाँ पे बैठे रहो वहाँ पे बैठे रहो, मतलब पूरा दिन ऐसे बैठ के निकल जाता है, कुछ काम नहीं हो पाता भाई। अब ऐसे ही अगर मतलब डेली घूमने जाओगे ना, फिर तो टाइम पास भी हो जाएगा बढ़िया, और आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बढ़िया बढ़िया आ जाएंगी। तब हम ट्राई करेंगे सिमार खाल में, कितनी अच्छी धूप हो रही है अभी मस्त देख रहे हो, और हमारे यहाँ मतलब एकदम ठंडा पड़ चुका है, और अब तो अंधेरा भी होने लग गया होगा भाई। मतलब अंधेरा से मतलब है कि ऐसा अंधेरा नहीं, मतलब बिल्कुल ठंडा हो गया एकदम से, छाया ही छाया। अब उसको गढ़वाली में ही बोल जाएगा रात पोड़ के भाई, पहुँचने वाले हैं अब सिमार खाल पावर हाउस के पास में पहुँच गए। यहाँ नीचे हमारा पावर हाउस है, ये देखो ये बस स्टैंड बनाया गया था, देख रहे कोई काम का नहीं है भाई, इसमें जब बारिश आती है ना तो ऐसे अंदर पूरा मतलब पानी घुस। सेम टू सेम धर्मेंद्र गोपाल चश्मा पहन गए, मतलब तो सेम गोपाल गोपाल चश्मा रही अर्धा का नेतो का पोस्टर 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 छपने से मतलब नेतो था काम कुछ नहीं। सिमार खाल 5 किलो प्रिंट पिछाड़ा भाई, तू क्या कहे थे 1 किलो चीनी खड़े सिमार खाल भाई, ये बंदे 1 किलो चीनी के लिए सिमार खाल आए, 5 किलो पिंडू लेके आया सिमार खाल, और मैं किसी काम के लिए नहीं आया भाई, ये दोनों मेरे को घर से उठा के लाया सिमार खाल ठीक है बिना बात के। तुम्हारे गाँव के छो हम तेल इन चखी तेल गाड़ी वाला डीजल भाई, हमारे यहाँ चक्की जाम किसान है भाई, हो गया 6 किलो धर्मेंद्र इसको लेके आया था, 6 किलो धर्मेंद्र काफी खुश हुआ कि 5 किलो से 6 किलो निकल गया। और ये हमारे चाचा जी प्रिय दुकानदार हमारे श्री रघुनाथ सिंह बिष्ट सिमार वाले, और हम ज्यादातर सामान इनकी दुकान से लेके जाते भाई, देखो पूरी दुकान एकदम खचाखच भरी हुई है, और चाचा जी ने हमें कल दीपावली की पार्टी करवाई थी मिठाई वगैरह खिला के। तो देख लो भाई कोई भी अगर इधर साइड में आए तो इनकी दुकान में जरूर आना। कहो नंबर बोलो, चाची ग्राहक आएगी और चाची बेच रहे हैं दिलबाग हमारे, चाची तमाकू उत्पाद नहीं बेचा कर, बिल्कुल खराब चीज से तकड़े दूसरों सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे आप, नहीं बेचा कर बंद कर दो तमाकू बीड़ी गुटखा सारी चीजें बेचते, देखो जूते हो गए कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हर चीज मिलेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ मतलब जो राशन पानी होता है ना उसको छोड़ के। दीपावली की मिठाइयां भी रखी हुई है, बम भी रखे हुए थे इन्होंने बहुत सारे, मतलब धर्मेंद्र ठंड नम तिलम था कोल्ड ड्रिंक पिला तो हमने मरने चाहो जाए सिमार खाल बाजार के दिन है चार दुकान फोन क्या फोन की दुकान क्या चलता पैसे के लेंदे पैसा नहीं लेना आज आज भाई दूज आज सुनना चे चाचा दूज कल क्या आज कल है बाल हो ना भाई दूज बाल से
Oh, sorry guys. मेरे को पता नहीं रहता इन चीजों के बारे में कुछ भी, क्योंकि मैं अभी मतलब जस्ट प्रकट हुआ हूँ धरती पे। अभी आया था दो साल ये कहाँ था नेता फोटो अभी लगा चाहे ब्याली लगा चाहे ब्याली लगा चाहे बिल्कुल नहीं नहीं अंदर के लवारे प्रकट पाए चुदे हम नेता उल्टू है यार बार फॉर्मूला ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ पे यार। यहाँ पे ना अभी जो मतलब घर घर जल योजना आई थी उसकी मतलब यहाँ टैंक ऊपर बन रहा था तो उसको हम देखने जा रहे हैं। टैंकी बन बन के तैयार हुई पूरी पानी के लिए नहीं हमारे तो बिल्कुल मतलब एक पानी तक नहीं पानी भी नहीं हमारे यहाँ तो भाई इस योजना का मतलब चारों तरफ पानी चला गया अभी तक मतलब पानी क्या लाइन मतलब बिछ चुकी है पानी तो जैसे भी जा रहा है जा ही रहा है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है गाँव में। हमारे यहाँ जैसा था वैसे का वैसा ही है कोई नया अपडेट नहीं है इसके बारे में भी और देखते हैं क्या पता हो सकता है आ भी सकता है। गांव से आपको ऊपर की इस साइड में पहाड़ दिखाई देता है ना उस पहाड़ के ऊपर खड़े अभी हम और यार धूप चमक रही है मुंह पे घाम चमक रहा है मुख पर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारा गांव है वहाँ नीचे है हमारा गांव और हम आ गए यहाँ पे। बढ़िया लग रहा है यहाँ पे मस्त एकदम देखो ये दोनों के दोनों टंकी के ऊपर भी चढ़ गए। हम भी देखते हैं भाई क्या क्या बना इस टंकी में और इस तरफ देखो मेरे सिमार गांव दिखाई दे रहा है नीचे उस दिन दिखाया था ना आपको वहां गया था मैं अपनी बहन के घर तो भाई ये सिमार गांव दिखा गए थे हम वहां ऊपर ठीक है। देखो कितना ऊंचा है यहां से हमारा गांव ना यहां सीधा नीचे यहां नीचे हमारा गांव है ये तो सुनना दिखाई दे रहा है वहां नीचे दिखाई देता है यार यहां पे से नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखो सामने पथौड़े दिखाई दे रहा है उधर पूरा नौगांव खाल और ऊपर चौपड़ खाल और उसके पीछे वो दीवा डांड वाला दिखाई दे रहा है। दीवा डांड भी आपको दिखाएंगे कभी अगर कभी वहां गए तो भाई वहां तो जाना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं वापस सिमारखाल की तरफ। भाई इस टाइम मतलब यहाँ पे ना काफी मार्केट के लोग इस टाइम इधर काफी जाते हैं घूमने घूमने के लिए बहुत से लोग जाते भी रहते हैं हमें तो कोई नहीं दिखा खैर फिलहाल। लेकिन ये हमारे धर्मेंद्र सिंह जी चश्मे में लग रहे थे गोपाल जी इन्होंने चश्मे उतार दिए। गोपाल जी आपको क्या बताएं कौन है गोपाल जी कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे हम जरूर। दस किलो एक दस किलो वाला है कौन दस किलो चार दो सौ चालीस पांच किलो है कितनी किल्लत है। हैंडपंप लगा है नल पे देखो बर्तन ही बर्तन रखे हुए भाई मतलब पानी की तो भाई जहां बोलो कमी कमी है बहुत ही ज्यादा ठीक है। और ये देखो सिमारखाल खत्म यहां से हम जा रहे हैं अपने घर दादी का जी दादा अच्छा तो मैं ठीक है मैं गांव तक देर तक अच्छा भाई यार अभी हम जाने जा रहे हैं घर की तरफ वापस और अभी हम मतलब हलाई वाली सड़क में पहुंचने वाले हैं। तो यार आज के लिए बस यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो को। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर कर देना भाई और लाइक कर देना और साथ ही साथ जो भी नए देख रहे हो चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है बस आज के लिए बस इतना ही मिलता है आपको दूसरी वीडियो में। धन्यवाद जय हिंद जय उत्तराखंड।